two people, 110 rupees for each. वेलकम बैक टू माई चैनल. सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. बज रहे सुबह के 5 और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ट्रिप टू कुर्ग. फ्रॉम बैंगलोर इज अराउंड 270 किलोमीटर प्लस एंड होपफुली हम इसे 5 घंटे या 6 घंटे में मोस्टली कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी. तो लेट्स स्टार्ट. फाइनली आफ्टर 5-6 आवर्स जर्नी करने के बाद हम लास्ट के 2 किलोमीटर फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे, बिकॉज हमने जो होमस्टे बुक किया था वो फॉरेस्ट के बीचों बीच था, सना रिवर साइड. एंड रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और एक दो बस ब्रेक लिए थे एंड देन फाइनली वी रीच्ड. ऑन आवर वे आपको स्मॉल सा वाटरफॉल दिखेगा, हलेरी वाटरफॉल, जो कि हमारे होमस्टे से काफ़ी पास है. मैं आगे इस ब्लॉग में इसको जरूर कवर करूँगी, इस जगह को. एंड देन वी एज यू सी वी कीप ऑन कंटिन्यूइंग ऑन दिस रूट. इट वॉज अ ब्यूटिफुल रूट. इतना अच्छा लग रहा था, लाइक फुल ऑन ग्रीनरी. एंड आप जब ऐसे जगह जाते हो राइट, कम्प्लीटली आप सिटी से कट ऑफ हो एंड फुल नेचर जो आप फिटनेस करते हो एंड काफ़ी खूबसूरत था. एंड फाइनली वी रीच्ड आवर कॉटेज. सो इट वॉज जस्ट लाइक दिस, बहुत प्यारा सा लग रहा था. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं. सो मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक रूम टूर दिखाती हूँ. ये है अपना रूम एंड ये है प्यारा सा बेड. ये है बालकनी विद द गार्डन व्यू. पूरा फॉरेस्ट के बीचों बीच है ये बेसिकली प्लेस. हम देखोगे ये देखो, बहुत ही प्यारा लगा मुझे तो. डिफरेंट अच्छा है ये. छोटा है पर अच्छा है, कॉम्पैक्ट बट नाइस. आई लव दिस पार्ट, सुबह अच्छा लग रही जगह. जैसे कि अब हम पहुंच चुके हैं और फ्रेशन अप हो चुके हैं. हम थोड़ी देर में बाहर निकलने वाले हैं, कुछ प्लेस एक्सप्लोर करेंगे मदिकरी में कुर्ग. और अभी के लिए तो मैंने आपको एक रूम टूर दे दिया इस जगह की. इस जगह काफ़ी खूबसूरत है. जब मैंने इस जगह को बुक किया राइट, मतलब हमने कुछ दिन पहले ही प्लान किया था, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जगह ऐसी होगी. मतलब मैंने थोड़े बहुत पिक्चर्स देखे थे, ज़्यादा रिव्यू टाइम नहीं मिला देखने का, जल्दी बुक करना पड़ा बिकॉज सारे रिजॉर्ट सारे होमस्टे सब बुक हो जा रहे थे क्योंकि लॉन्ग वीकेंड पड़ा. बट जब मैं यहाँ पे आई, ये फॉरेस्ट के बीचों बीच है और ये जगह इतनी सुंदर है और यहाँ का जो बेसिक सा एक रूम है जहाँ हम रुक रहे हैं. सो यहाँ से जो व्यू आ रहा है हमें, हमारा ये बैल्कनी है बेसिकली, तो यहाँ से जो व्यू आ रहा है बहुत ही सुंदर है. और यहाँ पे ठंड अच्छी खासी पड़ती है रात में, यहाँ के लोग बोल रहे हैं. सो लेट्स सी, अभी तक वेदर बहुत ही अच्छा रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है. और हम अब निकलेंगे, कुछ प्लेस एक्सप्लोर करेंगे, वापस आएंगे यहाँ पे और फिर आपको मैं दिखाती हूँ ये जगह का थोड़ा छोटा बड़ा टूर दिखाती हूँ आसपास क्या है यहाँ पे. चलो निकले. हम निकल रहे हैं. ये जगह इतनी अच्छी लगी कि हमने थोड़ा सा फोटोशूट और काइंड ऑफ वीडियोस लिए. और यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा गार्डन भी है नीचे इनका, बहुत प्यारा है. मुझे जगह तो काफ़ी अच्छी लग रही है. अब हम जा रहे रेडी होके, पहले चलते हैं अबे फॉल्स, उसके बाद कंटिन्यू करते रहेंगे ब्लॉग. और आप देखते रहिए हम कहाँ कहाँ विजिट करते हैं इस आज के दिन, और कल भी हम कुछ जगह कवर करने वाले हैं. सो चलिए निकलते हैं. Thank you.
चुके हैं एबे वाटरफॉल्स, ये अपनी पार्किंग है। कि पार्किंग कितना लिया? 20 रुपीज़ पार्किंग है फॉर टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स 900 से ज़्यादा होगा। और अभी देखते हैं, बारिश का सीज़न तो नहीं है पर हम देखते हैं कितना पानी है, सो चले चलते हैं। पता नहीं गाइस ये कोई प्लांट है गाइस, इट्स ब्यूटीफुल। तो वहाँ पे टिकट काउंटर, सो ये है एंट्री गाइस, टिकट काउंटर। तो चलिए टिकट लेते हैं। एंट्रेंस फीस 12 एंड अबव, 20 रुपीज़ फॉर टू पीपल, 110 रुपीज़ फॉर ईच। दिस इज़ द एंट्रेंस। तब हम मेरी मम्मी और मेरे भाई हम लोग आए थे, और ऐसे ही ट्रैक करके थोड़ा बहुत चलना पड़ता है एंड फिर नीचे जाना पड़ता है। काफ़ी सेम है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। आई थिंक मुझे याद नहीं करेक्टली, बट पहले टिकट लगती थी कि नहीं, मेरे को जो याद नहीं आ रहा है, बट हाँ क्योंकि हाँ हम लोग डायरेक्टली एंटर कर गए थे शायद, हम टिकट नहीं लिए थे। अभी टिकट है, चलिए आप बताते हैं देख के कैसा है, पानी कितना है। हमने देख लिया है वाटरफॉल, ऐसे बारिश सीज़न नहीं है तो इतना पानी भी नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक ठाक है। बहुत क्राउड भी ज़्यादा है, तो क्या बोलूँ, ओके सा है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, सीज़न नहीं है बेसिकली तो। पर वेदर बहुत ही अच्छा, मतलब लग रहा है बारिश होने वाली, वेदर चेंज हो गया है, बहुत अच्छा है। हमने एक स्पॉट कवर कर लिया, बस यही बोल सकते हो। बाकी तो क्राउड बहुत ही ज़्यादा है, जगह ही नहीं है, आप तो देख ही रहे हो मेरे पीछे। तो हम यहाँ से निकलते हैं, अब चलते हैं अगले स्पॉट पे। चलो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, हमारे प्लेस सना रिवर साइड से एवी वाटरफॉल 13 किलोमीटर्स था, और हम यहाँ से वापस लौटते समय एक यू नो व्यू पॉइंट पे रुके हैं, जो कि आपको वापस लौटते या जब आप एबे वाटरफॉल एंटर करते हो ना, एक थोड़ा सा व्यू पॉइंट है, उसके पास में ही है ये। कौन सी जगह है वो? मंडल पट्टी। हाँ, तो ये भी एक जगह आप जो कवर कर सकते हो बेसिकली सनराइज़ के लिए, पॉपुलर जीप सफारी के थ्रू जाया जाता है। हमारे पास हम ये कवर नहीं करने वाले, बिकॉज वैसे भी ना सनराइज़ ना सनसेट है, तो अभी कोई मतलब नहीं है। सो हम यहाँ से निकल रहे हैं, बस आपको मैं व्यू पॉइंट दिखा देती हूँ जहाँ पर हम रुके। का एक बहुत पॉपुलर कैफ़े है जो कि विज़िट करना चाहिए, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि यहीं पे हम अपना लंच करेंगे और पता करेंगे इस जगह के बारे में और क्या खासियत है। तो चलिए चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। दिस इज़ गाइस द पिकअप कैफ़े, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट। सो बेसिकली द प्रोसेस स्टार्ट्स आफ्टर 6 PM, they show how the coffees are being made and we cannot wait for that time, you know, till that time, so we have to leave. But yeah, we're just going to try the lunch here, some snacks, some cuisines, a big cup cafe, and we'll just let you know how it is. So guys, humne order kiya hai burger, ye special coffee hai, and cold coffee with ice cream hai, aur humne ek sizzler bhi order kiya hai, aur yahan khana bahut hi awesome hai, हम बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है। सो बेसिकली हम तो वो कॉफ़ी प्रोसेस देख नहीं पाएंगे, शाम के 6 बजे के बाद शुरू होगा, बट हम यहाँ से खा के ज़रूर जाने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा है खाना, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए यहाँ पे। आई लव दिस प्लेस, हम लव। अब हम आ चुके हैं राजा सीड गार्डन, जो कि अपना ये तीसरा लोकेशन है, और यहाँ पे आके अब हम अंदर चलेंगे, देखते हैं यहाँ का जगह की जगह कैसी है और क्या चार्जेस क्या है। सो लेट्स, दिस इज़ द एंट्री फी ऑन द स्क्रीन दैट यू कैन सी। इतनी सुंदर है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ उधर है वो। Thank you.
park was a very well maintained and a beautiful park with gives you a very great view, you know, and it's a peaceful place where you can spend a lot of time. This place is very popular for the sunrise, but the time when we went, the weather was not suitable for a sunset, I believe, or a sunrise. So we just left in 1.5 hour maybe, but this place was very big and, you know, it offers a very scenic view. So yeah, I really love this place. पार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे। सनसेट का तो खास उम्मीद है नहीं, वो सनराइज़ उतना अच्छा खासा हुआ नहीं है। वेदर बहुत ही यू नो कोल्ड सा है, बादल ही बादल है। सो अब हम बस साइड निकलेंगे थोड़ा बहुत देख के। चलो, दिस वॉज द एक्टिविटी सेक्शन इन दिस पार्क एंड लॉट ऑफ एक्टिविटीज वे गोइंग ऑन, फन एक्टिविटीज, सो यू गाइस कैन ट्राई दैट ऑल्सो। गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, बट ऑब्वियसली हम ये ट्राई नहीं करने वाले हैं। बच्चों के लिए ज़्यादा कर है, और जो वो बाकी जो एक्टिविटीज़ है वो मुझे नहीं करना। सो हम यहाँ से अब चलेंगे, निकलेंगे। सो दिस प्लेस इज़ क्वाइट नाइस, अगर आपको आना है तो आप ज़रूर आ सकते हैं। सो चलते, अब हम जा रहे हैं गाइस फूड मिस्ट्री प्लांट। हम निस्टी कॉफ़ी टी प्लांटेशन में हैं, और अभी एक गाइड आएगा, हम टूर पे जाने वाले हैं। बेसिकली पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन दिखाया जाएगा, और इनका प्रोसेसिंग कैसा होता है, कॉफ़ी कैसे बनती है वो दिखाया जाएगा। सो हम वेट कर रहे हैं गाइड का, फिर हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे बनती है कॉफ़ी। सो लेट्स वेट फॉर अस। कॉफ़ी पूरा होता है ना ये वाला जी, एंड अरबिका कॉफ़ी से का रोबस्टा का डेट अपोजिट होता है अरबिका कॉफ़ी। रोबस्टा का बड़ा स्टेम होता है, बड़ा पत्ता होता है, का छोटा स्टेम छोटा पत्ता होता है। एंड एक कॉफी सीड ओनली ओवल शेप में, एक बड़ा सीड होता है, बट एक सीड नहीं है, सीड के कार बस नहीं मेरे का पत्ता का बीच में, एक बीच वाले का बुशेस देखे ना, ये वाला इलायची का बुशेस काटे में, इलायची का। ओके, अभी प्लांट में का कुछ भी नहीं है मैम, ओनली का सीड का कुछ होता है। अभी नहीं मैम, अभी का अप्रैल ना अगस्त में, अप्रैल का बड़ा इलायची होता है, छोटे ये वाला छोटा इलायची का बना अगस्त सीजन में, अगस्त में। तो हम बेसिकली इस पूरे प्लांटेशन में ना हमने टूर किया, भैया गाइड ने हमें पूरा बताया कि यहाँ पे कितने स्पाइसेस है, किस टाइप के उनका हिस्ट्री हो, कैसे बनते हैं, और ड्यूरेशन जितना नॉलेज मिल सकता था उन्होंने सारे डिटेल्स हमें दिए। स्पेशली सारे स्पाइसेस जो हम घर पे बनाते हैं, राइट, हम यूज़ करते हैं अपना इलायची, लौंग, और बाकी दालचीनी, तेजपत्ता, जो भी है सारे। फिंगर का स्टार्ट हो रहा है वाला का कॉफी का रोस्टिंग मशीन का। आउटसाइड में का देखे ना का कॉफी का बीन्स सीड्स, ये बीन्स सीड्स में का अंदर का छिलका निकालने के बाद अंदर का दो बीन्स होते हैं। ये दो बीन्स में का फर्स्ट 15 डेज सनलाइट में सूखने के बाद एक कॉफी बीन्स पूरा ऐसा होता है, ओनली का सनड्राई कॉफी। ये बीन्स में का ऊपर एक डाल सकते हैं, ऊपर डालने के बाद एक ओपन कर सकते हैं, ओपन करने के बाद पूरा कॉफी बीन्स इंसाइड में का चल सकते हैं। इनसे मेरे 180 डिग्री फारेनहाइट 90 डिग्री सेल्सियस में का रोस्टिंग, बट एक टेम्परेचर एक फिक्स है, एक डिफरेंट है मेरे रोस्टिंग होता है, 20 मिनट 40 मिनट्स एक 1 आवर का रोस्टिंग। तो रोस्टिंग होने के बाद ऐसे ओपन कर सकते हैं, जैसे चेक करने के लिए, रोस्टिंग चेक करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। एंड रोस्टिंग होने के बाद एक ओपन कर सकते हैं, ओपन करने के बाद पूरा कॉफी बीन्स गिर जाते हैं, जैसे कॉफी बीन्स कूल होने के ये पोर्शन। तो कॉफी बीन्स रोस्ट होने के बाद पूरे का हॉट बीन्स होते हैं, ये वाला कूलर कॉफी बीन्स कूल करने के लिए। एंड एक कॉफी बीन्स एक 20-25 मिनट्स कूल होते हैं, कूल होने के बाद एक ओपन कर सकते हैं सर, एक ओपन होने के बाद पूरा कॉफी बीन्स एक बास्केट में कलेक्ट कर सकते हैं। यानी एक रोस्टिंग बीन्स देखने के लिए सर, ये वाला रोस्टेड बीन्स कॉफी, ये वाला रोस्टेड एक खुशबू आने के स्टार्ट होते हैं। देखिए वाइन वाइन, ये देखो गाइस कॉफी, ये अखरोट है, सारे ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पे। ये क्या देख रहे हो, क्या पेपर यहाँ से बना हुआ है, यहाँ का पेपर सारे सब कुछ यही का बना हुआ है।
चटनी पाउडर, चटनी पाउडर है, जीरा, सजीरा, अजवाइन, मराठी मुग्गू, अखरोट, तुम्हारा अखरोट, अखरोट सारे फूड, सारे गरम मसाला है, चॉकलेट, चॉकलेट ऑयल, मैडम ऑयल में कुछ चाहिए? कैंपर ऑयल, कैस्टर ऑयल, नीलगिरी ऑयल, लैवेंडर ऑयल, ब्लूबेरी ऑयल, रोजमेरी ऑयल। हमारा टूर कंप्लीट हो गया, हमें बहुत नॉलेज मिल चुका है हर स्पाइसेस के बारे में। यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्पाइसेस परचेज भी कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया आपको। फिलहाल तो हम अभी कुछ नहीं ले रहे, कैरी करने के लिए कुछ नहीं है, अभी हम जा रहे हैं। तो या मे बी हम कुछ टाइम या अगले दिन शायद कुछ लेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ ये जो चीज़ें मिल रही है हर जगह मिल रही है कुर्ग में, तो कहीं से भी उठा सकते हो। सो मैं बताऊँगी जब मिलूँगी। तो अभी चलते हैं वापस, शाम हो गया एंड वी आर टायर्ड, सो चलो। तो गाइस शाम हो गई है और मैं अपनी बैलकनी में बैठी हुई हूँ। हम आ चुके हैं वापस और अंधेरा होने वाला है। सो आज का दिन काफ़ी बीत गया, यही तो रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, डिनर करेंगे और फिर कल अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे, सोच लिए। तो गाइस रात का समय है और अभी हम जस्ट एक वॉक पे निकले हैं। अगर आप बाहर की तरफ जाओ ना तो पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, कुछ नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे इस प्लेस में लाइटिंग हुई है, सो अच्छी खासी लाइटिंग है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। और आई थिंक बॉन फायर भी होगा वहाँ पे, जला रहे हैं, आई दिखाते हैं आपको। काफ़ी रूम बने हुए हैं और बहुत ही ठंडक हो गई है, बहुत वेदर ठंडा सा हो गया है। सुबह को भी वेदर अच्छा था, धूप बिल्कुल नहीं है, गर्मी नहीं है, अप्रैल है, बट यहाँ बहुत अच्छा ठंडक है। जगह काफ़ी अच्छी हुई है, बहुत पीसफुल सी जगह। हमारे रूम में नो नेट काम नहीं कर रहा है, ना ही वाईफाई है, सो हम लोग यहाँ पे बैठ के मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए साथ बजे का कुछ करने को है नहीं, पूरी रात बाकी है, तो हम मूवी डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे था सिग्नल मिल रहा है तो हम अपने बाइक पर बैठ के मूवी डाउनलोड कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है अपने साथ, एक एक MB के लिए नो हम नेटवर्क खोज रहे हैं, 1 GB डेटा। इस ब्लॉग के लिए गाइस बस इतना ही, होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू मेरे चैनल। मिलते हैं अपने अपने ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।